यो हेलो, वेलकम बैक इनटू द न्यू वीडियो। सो आज हम यार इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ आपको GTA San Andreas Definitive Edition ऑफिशियल गेम। दिस विल बी ऑफिशियल गेम, वो भी आप अपने एंड्रॉइड के अंदर खेलने वाले हो। कैसे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इस वाले गेम को ऑफिशियली अपने फ़ोन के अंदर खेल पाओगे। सभी चीज़ें वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, जस्ट वीडियो को वॉच करते रहो। ये फ़ोन के अंदर हम खेलने वाले हैं GTA San Andreas Definitive Edition को, और वो भी ऑफिशियल गेम को, और बिना किसी लैग के, क्योंकि ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा लो एंड है। तो आपको लग रहा होगा कि यार आपका गेम लैग हो सकता है, लेकिन मैं इस फ़ोन में गेम को खेलने वाला हूँ। लेट्स गो। सो आ जाओ यार अपने एम्यूलेटर के अंदर। कौन सा एम्यूलेटर? चिकी एम्यूलेटर। दिस विल बी गोइंग टू बेस्ट एम्यूलेटर, बिकॉज ये वाले एम्यूलेटर के अंदर हमने पहले GTA 5 को भी खेला हुआ है। GTA 5 रियल GTA 5 को हमने इस एम्यूलेटर के अंदर खेला हुआ है। तो आ जाओ GTA San Andreas को भी ट्राई कर लेते हैं जल्दी से जल्दी से। यार बहुत सारे गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या क्या गेम्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको खेलने के लिए। तो आ जाओ यार डेफिनेटिव एडिशन सर्च कर लेते हैं। डेफिनेटिव एडिशन पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे। पॉइंट्स होने चाहिए, और आपको जो है तीन जो कॉइंट्स होते हैं, 3 कॉइंट्स में आप 1 मिनट गेम खेल सकते हो। ठीक है, मेरे पास अभी कुछ अराउंड कितने पॉइंट्स होंगे, लेट मी चेक। या मैंने कलेक्ट करे थे। हाँ, वन मोर थिंग, रोज़ाना आपको पॉइंट्स मिलते हैं एम्यूलेटर के अंदर, मैंने पहले भी बताया हुआ है। मेरे पास अभी 19 पॉइंट है, क्योंकि मैंने पहले भी गेम खेला था। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें रोज़ पॉइंट्स मिलते हैं, आप रोज़ पॉइंट्स को इकट्ठा करके गेम को खेल सकते हो। आ जाओ यहाँ पे यार गेम के अंदर। गेम के अंदर आने के बाद में सर्च कर लो यहाँ पे डेफिनेटिव एडिशन। डेफिनेटिव एडिशन पे क्लिक करके, प्ले के बटन पे क्लिक करके सिंगल प्ले क्लिक करेंगे। प्ले विथ फ्रेंड्स भी कर सकते हो, लेकिन मैं भी सिंगल खेलूँगा क्योंकि मैं हूँ भी सिंगल। जॉक सफार, अभी मैं जस्ट आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो लेट्स गो एंड हम एक एड देखेंगे, एंड एड देखने के बाद में हम अपना गेम खेल सकेंगे। सो लेट्स गो वॉच एड के बटन पे क्लिक करूँगा, और ये आपको उसके बाद में 2 कोड़ी की एड दिखाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको बस एड को स्किप करना है। कैसे स्किप करना है, स्किप का बटन आपके पास अपने आप आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा गेम भी खेल लेते हैं। वाओ, इसमें हम बर्गर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। हम इसमें भी मनी इकट्ठा कर रहे हैं, नाइस, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम GTA San Andreas Definitive Edition खेलेंगे। यहाँ पे जाऊँगा, एड को स्किप कर दूंगा। नाउ अब ये डिटेक्ट करेगा आपका नेटवर्क, और नेटवर्क डिटेक्ट करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क डिले है 36 MS है, जो कि बहुत अच्छा इंटरनेट है मेरा, और 74 नेटवर्क हमें जो पिंग है प्रोवाइड कर देगा, इट्स गुड। हम ओके के बटन में क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे ये आपको बोलेगा कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट से भी कम आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो आप रेगुलर में हम खेल सकते हैं। 3 पॉइंट की वजह से आप गेम 1 मिनट टाइम तक खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइनअप सक्सेस, एंटर द गेम, एंड या एंटर कर दो भाई, किसका वेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, और एक कोडी गेट दिखाई जाएगी आपको। आपको बस यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है जब भी ऑप्शन आएगा, और यहाँ रेडी टू गो गाइस, आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। वंस योर गेम विल स्टार्ट ना, आप अपनी पिंग देख सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा पिंग आ रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। आपका नेटवर्क ख़राब होगा तो आपको चेंज नहीं कराने की ज़रूरत है, आप इसमें भी काम चला सकते हो। यहाँ पे मैं मुझे बोल रहा है गेम सेव फाइल्स एनी रिचार्ज टू गेम, नहीं 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 भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है अभी, हम फ्री में खेलना चाहते हैं इस गेम को। ओके, हमें यहाँ पे वेट करना है, थोड़ा सा वेट करने के बाद में हमारा गेम अपने आप चालू होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है टाइम रिमेनिंग, ओके, तो शायद अभी किस्मत में 5 मिनट और वेट करना है, तो 5 मिनट इज़ नॉट बिग डील, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स एंड ओके, पूरे 5 मिनट भी वेट नहीं करना है, 4 मिनट वेट करना है, तो 4 मिनट के बाद मिलता हूँ आपसे। और भाई ये देखो, इसने पूरा टाइम भी नहीं लिया है, उससे पहले हमारा गेम चालू हो गया, यार क्या बात है, उससे पहले हमारा गेम चालू हो गया। ओके, ये टाइम रिमेनिंग है जितने टाइम पे हम खेल सकते हैं गेम में। ओके, या बट हमारा गेम चालू हो चुका है, लिटरली हम फ्री में GTA San Andreas Definitive Edition को अपने फ़ोन के अंदर खेल रहे हैं। एंड शायद मुझे लगता है कि ये जो टाइम रिमेनिंग है, ये शायद हमारा गेम प्ले का टाइम है, इतना ही टाइम हम खेल सकते हैं इस गेम को। नो प्रॉब्लम, मैं जल्दी से स्किप करता हूँ, स्किप हो सकता है क्या, ये कौन से बटन से होगा, होगा अभी तो लेट मी चेक। ओके, ए से होगा ये, गॉट इट, मुझे माउस दिखाई दे रहा है, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट होने लगेगा हमारा गेम। हमारे पास 3 मिनट है, और हमें जल्दी से गेम को खेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हाँ हमको पॉइंट्स परचेज करेंगे इसके लिए,
चलो वो चीज़ तो बाद की बात है, लेट्स सी हमारे गेम में भी क्या होता है, हमारा गेम चालू होता है कि नहीं होता है। हमारा गेम चालू हो चुका है एंड गाइस लेट्स गो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। ये रहा गेम। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम नहीं लग रही है यार मुझे, इसकी ब्राइटनेस कम लग रही है थोड़ी। हम ना काम करते हैं, इस गेम की सेटिंग में जाते हैं। गेम की सेटिंग में कैसे जाते हैं, गेम की सेटिंग में जाते कैसे यार, गेम की सेटिंग में जाने का कुछ तो तरीका होगा। मैं भी यहाँ पे क्लिक करेंगे गेम की सेटिंग में। ओके आ गए हम। फिर नीचे जाएंगे और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में ले मैं बस एक बार ब्राइटनेस तेज हो जाए ना तो कोई इशू नहीं है। लेट्स गो टू दी, ओके आ गया ब्राइटनेस का ऑप्शन। अरे अरे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। ब्राइटनेस को पूरा तेज कर दो। या दैट्स इट, नाउ वी आर रेडी टू प्ले गेम। जस्ट बैक जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी गाइज हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, चालू बिना किसी प्रॉब्लम के। और देख सकते हो हमारा गेम कोई इशू नहीं आ रहा है। द मेन थिंग इज दैट आपका GTA डेफिनेटिव एडिशन आप अपने फ़ोन में खेल रहे हो, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग थिंग। मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग में जा कर के एंड फिर से ट्राई करता हूँ कि मैं इसके ग्राफिक्स को बढ़ा सकूँ, क्योंकि ग्राफिक्स क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितने मेरे पीसी में आती है। मैं इसको आकर के ग्राफिक्स प्रीसेट्स को यार पूरा का पूरा जो है हाई करने की कोशिश करता हूँ। रेजोल्यूशन को मैं बढ़ा देता हूँ, रेजोल्यूशन 720 तक ही दे रखा है इन्होंने। ओके हमें बस 1080p का ऑप्शन आ जाना चाहिए। ओके तो अब हमें इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कन्फर्म इट, कीप इट एंड या वी आर रेडी टू गो। वी विल जस्ट गो बैक एंड नाउ यू कैन सी गाइज आवर गेम इज़ लुकिंग वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। एंड यार कंट्रोल समझने में थोड़ा सा इशू हो सकता है आपको, मेरे को तो बहुत हुआ था कंट्रोल समझने में इशू, बट या हम इजीली गेम को खेल पाएंगे विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड चलो यार अभी चलो 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 चलो, ओके 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 कार चल गई। मेरे को कार का एक्चुअली कंट्रोल्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ओके हम आ गए, कंट्रोल आ गए। ठीक है ये छोटी सी जॉयस्टिक है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी और हम 4K सेटिंग्स पे अपने गेम को रन कर रहे हैं विच इज़ मोस्ट अमेजिंग थिंग। बहुत अच्छा लग रहा है गेम खेलने में और ग्राफिक्स तो यार देखो डेफिनेटिव एडिशन के मिल ही रहे हैं। तो एक बारी के लिए आप डेफिनेटिव एडिशन को अपने फ़ोन के अंदर खेल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपको पॉइंट्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और जो कि आप कर सकते हो रोज़ाना अपने ऐप पे लॉगिन करके फ्री में आप GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन को अपने फ़ोन के अंदर खेल सकते हो। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ और अपने पास 19 सेकेंड है, 17 सेकेंड है, 16 सेकेंड है, उतने पर हम अपनी कार को बहुत आगे तक पहुँचा चुके होंगे। तो यार चलो 10 सेकेंड आखिरी के मज़े ले लेते हैं गेम के एंड दैट्स अमेजिंग यार, लुक्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है गेम को खेलने में। मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, गेम भी लैग नहीं कर रहा है, हमने सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर दिया विच इज़ मोस्ट अमेजिंग थिंग और गेम के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं क्रेजी गेम के। ओके हमें और पॉइंट्स मिले हैं तो टाइम रिमेनिंग का जो ऑप्शन है वो हमारा ज़ीरो हो चुका है, फिर भी हम गेम को खेल पा रहे हैं विच इज़ अमेजिंग थिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार ये वाला चीज़ देख करके। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मैं इस गेम को बंद कर देता हूँ यार क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंटायरली एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।